गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय रिव्यूज ऑन सम न्यू लॉन्च स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो यस वीडियो हेल्पफुल रहती है देन प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट वी हैव दिस फेस वॉश फ्रॉम मदर्स पर्श। सो मदर्स पर्श एक न्यू ब्रांड है, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते तो थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। सो मदर्स पर्श बेसिकली यू नो मदर एंड बेबी के नेम से आप समझ गए होंगे कि मदर एंड बेबी के लिए ही उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे, बट रिसेंटली उन्होंने स्किन केयर एंड हेयर केयर यू नो रेंज भी लॉन्च की है। सो या मैंने रिव्यू किया हुआ मेरे चैनल पे, आई विल लिंक इट डाउन, आप चेक कर लीजिएगा। एंड रिसेंटली लाइक इसी मंथ में उन्होंने ये टर्मरिक हीलिंग स्किन केयर रेंज लॉन्च की है। सो बेसिकली ये यू नो जो भी 20+ हैं उनके लिए काफी सही रहेगा। तो अब इसका बता देती हूँ इसमें क्या क्या क्लेम्स है। सो बेसिकली इसमें मेंशन है टर्मरिक हीलिंग फेस वॉश, ये टारगेट करता है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, जो हमें एजिंग साइंस यू नो शो होते हैं तो उनको ये टारगेट करता है एंड शो होने से पहले उनका सोल्यूशन निकाल लेता है, ये इसके क्लेम्स है। सो बेसिकली डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को काफी हद तक रिड्यूस कर लेता है। अगर बात करूँ गाइस इसके की इंग्रेडिएंट की, सो इट कंटेन्स टर्मरिक एंड गोटू कोला एक्सट्रैक्ट। तो टर्मरिक बहुत पुराना, जैसे हम कोई भी डीआईवाई बनाते हैं, स्टिल अगर मैं कोई डीआईवाई बनाती हूँ फेस पैक वगैरह, तो उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक हम जरूर ऐड करते हैं बिकॉज टर्मरिक बहुत अच्छी रहती है। यू नो स्कार को हील करती है, ब्लेमिशेस को रिमूव करती है, एक्ने को रिड्यूस करती है, स्किन पे एक नेचुरल सा ग्लो लाती है। तो टर्मरिक तो बहुत टाइम से हम यूज करते ही आ रहे हैं, नथिंग न्यू। सो इसकी बात करूँ गाइस, यू नो इट्स इन ट्यूब पैकेजिंग बेसिकली, सो इट कंटेन्स 100 ml ऑफ क्वांटिटी एंड इट रिटेल्स फॉर 375 rupees। सो या इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड गाइस क्वांटिटी इज ह्यूज। ओके सो लेट मी शो यू द प्रोडक्ट। सो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, लाइक येल्लो इन कलर में आपको मिल जाता है। ओके आई हैव यूज दिस अ लॉट, आई डोंट नो कि इसमें इतना बचा भी है कि यू नो निकल ही नहीं रहा। तो अब मैं इसको यूज करके आपको शो करूंगी लाइक दिस। ओके सो इट्स इन जेल फॉर्म एंड येल्लो इन कलर, सो स्लाइटली येल्लो कलर इसमें एड है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग है, बहुत ज्यादा ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपके माइंड में हिट होगी एंड इट्स वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, मतलब बहुत ही जेंटली रिमूव होता है, ऐसा नहीं कि आपकी स्किन को ड्राई कर देगा एंड जो भी आपका यू नो नेचुरल जो ऑयल होता है स्किन का वो भी हटा देते हैं बहुत सारे फेस वॉश, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, नेचुरली आपकी स्किन को क्लीन करता है। सो या इट्स वेरी जेंटल ऑन योर स्किन, बहुत ज्यादा इसमें यू नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। इस मदर्स पर्श ब्रांड में जो भी प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करते हैं उनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, प्लस कोई भी यू नो एडेड फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं होती जो कि फेक फ्रेग्रेंसेस बेसिकली एंड कोई भी कलर्स भी ऐड नहीं होते। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज मुझे अपनी स्किन पे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद है, आई गेस आप लोगों को भी पसंद होंगे। तो अब सो गाइस मैं फेस वॉश आपको यूज करके शो करने वाली हूँ। सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बात करें गाइस इसके की इंग्रेडिएंट की, सो सभी जो प्रोडक्ट हैं इस रेंज के वो उनमें है टर्मरिक एंड गोटू कोला एक्सट्रैक्ट, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी इसमें मोरिंगा वगैरह भी एड है। सो बेसिकली गाइज ये आपके एजिंग साइंस को डिले करता है, एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है एंड जितने भी यू नो ब्लेमिशेस वगैरह है। आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश फ्रॉम लास्ट 2 to 3 weeks एंड ये काफी अच्छा वर्क किया मेरे स्किन के लिए। तो बेसिकली ये जैसे कि टारगेट करता है जो एक्ने स्कार्स होती हैं, एक्ने होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उनको ही टारगेट करता है। बहुत से लोग इस ऐसे फेस वॉश जो भी यू नो जैसे इन्फॉर्मेशन है कि टारगेट करता है एजिंग साइंस को, ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं परचेज करते जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं बिकॉज उनको लगता है कि हमारे फेस पे तो यू नो पिगमेंटेशन वगैरह है ही नहीं, रिंकल्स नहीं है, फाइन लाइंस नहीं है, देन हमें ऐसे प्रोडक्ट की क्या नीड है। बट गाइस ये होता है कि अगर आप पहले से ही यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलते हैं एंड आपको कभी ऐसी इशू ही नहीं होगी, राइट। सो प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, आपने सुना ही होगा। सो दैट्स द रीजन कि मैं खुद अपनी स्किन पे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करना मुझे बहुत पसंद आ रहा है बिकॉज आई एम 20+। सो यस तो या मुझे बहुत पसंद आया फेस वॉश, गिव इट अ ट्राई, यू गोना लव इट लाइक सीरियस। गाइस नेक्स्ट आई यूज दिस क्रीम एंड अगेन इट्स फ्रॉम मदर्स पर्श, बेसिकली ये अगेन टर्मरिक हीलिंग डे क्रीम है, इनकी डे एंड नाइट दोनों ही है।
सो ये 40 ग्राम ऑफ क्वांटिटी में आपको मिल जाता है एंड इट रिटेल्स फॉर, आपको स्क्रीन पे प्राइस दिख जाएगा, इसका प्राइस है 475 रुपीज वैसे। सो या इस तरह की कुछ आपको टफ पैकेजिंग मिलता है, पैकेजिंग इज वेरी नाइस। आपको यहाँ पे एक लिड भी मिलती है विच आई डोंट हैव राइट नाउ बिकॉज उसको मैंने हटा दिया बिकॉज मैं ही इसको अकेले यूज करती हूँ। एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट गाइज, आई हैव यूज दिस अ लॉट, लाइक कॉन्टिन्यूसली इसको भी मैं यूज कर रही हूँ। एंड ये बहुत लाइट वेट क्रीम है, आई जस्ट लव दिस वन। आपको थोड़ी नॉइस आ रही होगी उसके लिए एम सो सॉरी। सो गाइज अगेन इसकी बात करते हैं, तो गाइज ये भी जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन होती है और जो भी आपके एजिंग साइंस होते हैं उनको काफी हद तक रिड्यूस करती है। सो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप डे में इसको यूज कर सकते हैं अगेन। सो गाइज इस क्रीम के अंदर है सनफ्लावर ऑयल और टर्मरिक एंड कोटूकोला एक्सट्रैक्ट अगेन। सो ये काफी अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एज वेल एज आपके स्किन में यू नो एब्जॉर्ब हो जाता है और काफी स्मूथ ड्यूई फिनिश आपको प्रोवाइड करता है और आपके जितने भी एजिंग साइंस उनको भी डिले करता है एज वेल एज जो आपके एक्ने स्कार्स वगैरह है उनको भी ये रिड्यूस करता है। सो गाइस डे के लिए मैं सिर्फ दो ही प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, फर्स्ट फेस वॉश करती हूँ देन ही क्रीम अप्लाई करती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। मेरे को ज्यादा कुछ यूज करने की नीड नहीं पड़ती बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट इनफ होते हैं, इनसे पोर्स भी मेरे टाइट होते हैं, यूवी रेज से भी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं मेरी स्किन को, प्लस यू नो जितने भी एजिंग साइंस जो होते हैं उनको भी रिड्यूस करते हैं, तो मुझे कुछ ज्यादा अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ती। ज्यादा ताम झाम करना मुझे वैसे ही नहीं पसंद एंड आई नो कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा। नेक्स्ट गाइस नाइट में, अभी डे है तो मैं आपको यूज करके तो नहीं शो करूंगी बट आपको शो कर देती हूँ। सो गाइस नाइट में मैं सिर्फ ये क्रीम यूज करती हूँ, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। सो दिस वन इज अगेन फ्रॉम मदर्स पर्स, तो ये है उनका टर्मरिक हीलिंग नाइट क्रीम। अगेन ये भी एजिंग साइंस को रिड्यूस करता है, जो भी अर्ली एजिंग साइंस होते हैं। 40 ग्राम का आपको टब मिल जाता है एंड इसका प्राइस जो है वो है 549, वेरी अफोर्डेबल। आपको कुछ लिड मिलती है प्रोटेक्टर एंड यू कैन सी आई हैव यूज्ड दिस वन अ लॉट। सो लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी गाइस, ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ आती है, बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होती, थोड़ा सा आपको अमाउंट चाहिए होता है बिल्कुल ही इजिली ब्लेंड हो जाती है आपके स्किन में, यू कैन सी बहुत इजिली ब्लेंड हो जाती है। जितने भी एजिंग साइंस है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन और स्कार्स होते हैं, एक्ने स्कार्स वगैरह, पोर्स को काफी हद तक ये मिनिमाइज करती है एंड आपको सिर्फ इसको अच्छे से अप्लाई करना है और अपनी स्किन में अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने देना है एंड देन आपको सिर्फ अच्छी नींद लेनी है एंड आपको लाइक इसके रिजल्ट 2 से 3 हफ्तों में ही देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि मुझे खुद को अपनी स्किन पे बहुत शानदार वाले रिजल्ट देखने को मिले। और गाइस जब आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज प्रैप करते हो लाइक ये ना आपकी स्किन को हाइड्रेट भी बहुत अच्छे से कर देती है, तो अगर आप इनको यूज करने के बाद अपना मेकअप अप्लाई करते हो तो भी आपका मेकअप बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे सेट होता है एज वेल एज धीरे धीरे अगर आपकी स्किन क्लीन हो जाती है तो अब मैं अपना मेकअप अप्लाई करती हूँ ना तो इतना अच्छा फ्लॉलेस बेस लगता है। सो यू कैन सी कि ये जो है क्रीम कितने अच्छे से यू नो एब्जॉर्ब हो गई एंड यू कैन सी कि बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी फॉर्मूला के साथ है। सो मुझे काफी अच्छी लगी और गाइज अगर आपकी भी एजिंग साइंस है तो प्लीज गो फॉर इट, यू गोना लव इट, लाइक मुझे ये क्रीम्स बहुत पसंद आने वाली है आर आई मीन एंड मैं अब इनको रीपर्चेज भी करने वाली। सो आई होप गाइज कि मेरा ये छोटा सा रिव्यू आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइज मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।